वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसों का द्रवीकरण। हम ये जानते हैं कि गैसों में अंतरणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं, इसलिए सभी गैसों को अधिक दाब लगाकर और कम ताप पर द्रवित किया जा सकता है। क्रांतिक ताप एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर या उससे कम दाब पर केवल दाब लगा करके हम गैसों को लिक्विफाई कर सकते हैं। गैसों के शीतलन के लिए कुछ दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, गैसों में उपस्थित अंतरणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध प्रसार कार्य, और दूसरा गैसों के द्वारा किया जाने वाला बाहरी कार्य। तो गैसों का लिक्विफिकेशन करने के लिए कई मेथड काम में लिए जाते हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड है कूलिंग बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर वह मिक्सचर होता है जो कि किसी भी गैस को ठंडा करने के लिए काम में लिया जाता है, उसे शीतलन के काम में लिया जाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में हम बर्फ़ और NaCl, बर्फ़ और कैल्शियम क्लोराइड, बर्फ़ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा ईथर आदि काम में लेते हैं, जिनके ये फ्रीजिंग मिक्सचर उन गैसों के लिए काम में लिया जाता है जिनके क्रिटिकल तापमान बहुत कम नहीं होते हैं। यानी आसानी से हम केवल इस फ्रीजिंग मिक्सचर की सहायता से ही उनका लिक्विफैक्शन कर सकते हैं। इसमें आप एक इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड पर वो रिएक्टेंट गैस है जिसका लिक्विफिकेशन हमें करना है, और राइट हैंड साइड पर एक बीकर में इस ट्यूब का सेकेंड एंड है जो कि फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर डिप किया हुआ है। इस फ्रीजिंग मिक्सचर की सहायता से यहाँ पर गैस एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गई है। दूसरा विषय है, दूसरा जो बिंदु है, कूलिंग बाय रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड या वाष्पशील द्रवों के तेजी से वाष्पीकरण के द्वारा शीतलन किस प्रकार से होता है। जब किसी भी वाष्पशील द्रव का निम्न दाब पर द्रुत वाष्पीकरण या रैपिड इवेपोरेशन किया जाता है तो उसके टेम्परेचर में कमी आती है। क्यों? क्योंकि रैपिड इवेपोरेशन के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है या आवश्यक गुप्त ऊष्मा है वो स्वयं द्रव से ही ग्रहण की जाती है, जिससे कि जो लिक्विड है वो ठंडा हो जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन के वाष्पीकरण के लिए वाष्पीकरण के द्वारा 55 केल्विन ताप तक शीतलन किया जा सकता है। इसी प्रकार से इसी क्रम में तीसरा विषय जो मेथड है, जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा शीतलन है। जूल और थॉमसन के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से एक पोरस डॉट के द्वारा निम्न ताप के क्षेत्र तथा शून्य में प्रसारित होने दिया जाता है तो ताप में कमी हो जाती है। यह इफेक्ट जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। जब गैस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गैस का प्रसार होता है तो उसके अणु दूर दूर हट जाते हैं, और हम ये जानते हैं कि गैस के अणुओं के मध्य अंतरणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो इस प्रसार कार्य में गैस के अणुओं को उन आकर्षण बलों के विरुद्ध काम करना पड़ता है, जिसमें कि अणुओं की इंटरनल एनर्जी जो है वो खर्च होती है और ताप में कमी हो जाती है। जूल थॉमसन प्रभाव प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप के नीचे ही संभव होता है। इस निश्चित तापमान को व्युत्क्रम तापमान या इन्वर्जन टेम्परेचर कहा जाता है। इन्वर्जन टेम्परेचर को हम TI से दर्शाते हैं। TI इज इक्वल्स टू 2A/RB। A और B यहाँ पर वंडरवॉल कांस्टेंट है और R एक गैस कांस्टेंट होता है। जब ये अपरेटस है जिसे लिंडेज एपरेटस कहा जाता है, इस एपरेटस की सहायता से जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा शीतलन किया जाता है। शुद्ध वायु किसे कहा जाता है? जिसमें कि ना तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ना ही वाटर वेपर्स होती हैं। जब शुद्ध वायु को कंप्रेशर की सहायता से लगभग 200 वायुमंडलीय दाब तक हम संपीड़ित कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इस कंप्रेस्ड एयर को शीतलक के द्वारा गुजारा जाता है ताकि संपीड़न में हुई ताप की वृद्धि को समाप्त किया जा सके। इस संपीड़ित वायु को जब एक बारीक प्रसार वाल्व से
गुजारते हैं तो एक वायुमंडल दाब के क्षेत्र में प्रसार होने देते हैं। जूल थॉम्सन के प्रभाव के कारण वायु ठंडी हो जाती है और यह ठंडी वायु अन्य नलियों को ठंडी करते हुए फिर से कंप्रेसर में आ जाती है। संपीड़ित होने पर इस गैस का प्रसार वॉल्व से होने दिया जाता है और प्रसार के बाद गैस का ताप और भी कम हो जाता है। इस प्रकार जब बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न होता है और लगभग 85 केल्विन पर वायु द्रवित होने लग जाती है और इस लिक्विड वायु को कलेक्ट कर लिया जाता है। इसी प्रकार गैसों के रुदोष्म प्रसार से किए गए बाह्य कार्य के द्वारा भी शीतलन संभव है। एडियाबॉटिक प्रोसेस में हम ये जानते हैं कि ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं होता है। जब एक संपीड़ित गैस का रुदोष्म परिस्थितियों में प्रसार किया जाता है तो वह गैस कुछ बाहरी कार्य करती है। इस बाहरी कार्य में गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है और आंतरिक ऊर्जा में कमी के कारण ताप कम हो जाता है। इस विधि का उपयोग जूल थॉम्सन प्रभाव के साथ साथ क्लॉड प्रोसेस के द्वारा वायु को द्रवित करने में किया जाता है। ये अपरेटस है जिसे हम क्लॉड्स अपरेटस कहते हैं। इस अपरेटस में नीचे से लिक्विड एयर दी जाती है और ऊपर एक कंप्रेशन पंप है जिसकी सहायता से एयर को ऊपर से गैस को पास आउट करते हैं। अब ये गैस एक कंप्रेशन पंप की सहायता से कंप्रेस की जाती है और फिर ये गैस नीचे सर्कुलेट होकर के लिक्विफाइड हो जाती है और नीचे से बॉटम से हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। शुद्ध वायु यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स नहीं होती हैं उसे कंप्रेसर की सहायता से 200 वायुमंडलीय दाब तक संपीड़ित किया। अब इस संपीड़ित वायु के कुछ भाग को प्रसार वाल्व के द्वारा एक वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है। वहाँ पे प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो बाकी बचा हुआ भाग है वो रुदोष्म दशाओं में पिस्टन को धकेलने को बाहरी कार्य करता है। यहाँ पे एक साइड में पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन को ये बाहर की तरफ पुश करता है। अब इन दोनों प्रभावों के कारण जो एयर है वो ठंडी हो जाती है और ठंडी वायु को ये जो बड़ी नली है इसमें सर्कुलेट किया जाता है। जैसे एरो के द्वारा दिखाया गया है कि इसमें एयर सर्कुलेट हो रही है, फिर इस वजह से जो अंदर आने वाली वायु है वो ठंडी हो जाती है और कंप्रेशर में चली जाती है। संपीड़ित वायु को फिर बार बार इसी प्रोसेस से गुजारा जाता है और इस प्रकार वायु का ताप निरंतर घटता चला जाता है। उचित ताप पर वायु का जो द्रवण है वो प्रारंभ हो जाता है। अब ये सभी विधियां हमने देखी जिसमें कि गैस का शीतलन हो रहा था और शीतलन के द्वारा निम्न ताप पर गैसों का द्रवीकरण संभव हो पाया विभिन्न विधियों के द्वारा। अब हम देखें कि ये लिक्विफाइड गैसेस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेंट के रूप में या प्रशीतक की तरह काम में लिए जाते हैं। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा फाउंटेन्स में काम में लिया जाता है और जो लिक्विड क्लोरीन है इसे ब्लीचिंग और डिस इन्फेक्टेंट पर्पज से भी काम में लेते हैं। लिक्विड एयर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन रॉकेट्स एंड जेट प्रोपेल्ड प्लेन्स एंड बॉम्ब्स। जो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है इसे वेल्डिंग पर्पज से काम में लिया जाता है और इसी प्रकार से जो एयरशिप हैं उनमें कंप्रेस्ड हीलियम को यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच।